दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आज एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ कमाल की है। तो इस वीडियो में प्ले स्टोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको प्ले स्टोर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐप्स को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पर जाना ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये जो सेटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इसका पता आप लोगों को होना चाहिए। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसी के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों ने ये जो ऊपर तीन लाइन है दोस्तों, इसी पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। दोस्तों सबसे पहले ये जो विश लिस्ट है इसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों अगर आप सिम पे इंटरनेट यूज़ करते हो और आपको कोई भी ऐप्स पसंद आया तो आप लोगों ने उसको कैसे एक जगह पे रखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की अगर ये दराज वाली ऐप्स है, ठीक है, तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुझे पसंद आया तो मैं उसी टाइम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सिम में इतने MB नहीं है कि मैं इसको इंस्टॉल करूँ, और ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अपनी विश लिस्ट में कैसे रखना है, जैसे अगर आप कोई भी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसी टाइम पे इसको ईजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर इसको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने इसको कैसे विश लिस्ट में ऐड करना है, तो आपने इसी पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप लोगों ने ऐड टू विश लिस्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी ऐड टू विश लिस्ट पे चला जाएगा। तो फिर आपको ईजीली आपको इसको मिल सकता है, ठीक है। तो इसको ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तीन लाइन पे क्लिक करना है। नीचे आप लोगों ने विश लिस्ट पे आना है, इस पर जस्ट आप क्लिक करें तो इधर ही आपको शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट जो सेटिंग है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि प्ले स्टोर पर आजकल कौन सी ऐप्स रैंकिंग में सबसे टॉप पे चल रही है तो आप लोगों ने इसको कैसे चेक करना है, तो ये जो दूसरी ऑप्शन है दोस्तों टॉप चार्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको शो हो जाएगा आजकल टिकटॉक सबसे ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है, सबसे टॉप पे आती है, ठीक है। इसके बाद इधर आप आ सकते हो, इसमें ओवरऑल आपकी ट्रेंडिंग ऐप शो होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो ऐप्स है दोस्तों ये आजकल बहुत रैंकिंग में है, इसमें आप जो है ग्रुप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के अगर आप सिर्फ गेम्स की ऐप्स को ढूंढना चाहते हो कि कौन सी टॉपिक चल रही है तो आप इस बिल्कुल राइट साइड कोने पे आ सकते हो और इधर आप देख सकते हो, लेकिन इधर आपको पेमेंट करना पड़ता है अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो फ्री ऐप्स है वो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और आप जो जिसके लिए पैसे पेमेंट ज़रूरी है तो राइट साइड पे, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट सेटिंग है, उस सेटिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है, नीचे आप लोगों ने आना है, ठीक है। प्ले प्रोटोकॉल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये दोनों सेटिंग को ऑन करना है। दोस्तों इसको ऑन करने का फ़ायदा ये है कि आपके मोबाइल हरमपुल चीज़ों से बच रहेगा, ठीक है। और जो भी ऐप्स आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके साथ कोई वायरस नहीं आएगा और वो गूगल की तरफ से स्कैन होकर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट सेटिंग है उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने ये ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करना है, ये वाला, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। आप लोगों ने सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है, पेरेंटल कंट्रोल पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने इसको इधर से ऑन करना है। इधर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का पिन को एंटर करना है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा वो क्या है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ।
दोस्तों जिस तरह के अगर छोटे बच्चे आपकी गन में अगर वो ये प्ले स्टोर यूज़ करता है तो वो अगर गलत ऐप्स को सर्च करती है प्ले स्टोर पे तो उसको ऑन नहीं आएगा। तो पिन को एंटर करने के बाद आपको एज शो होगा, ठीक है, तो आपने लेस देन 16 या 18 उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद अगर कोई भी गलत ऐप शेयर सर्च करता है प्ले स्टोर पे तो उसको ऑन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद एक नेक्स्ट सेटिंग है, उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल को चेक करना चाहते हो कि यह सर्टिफाइड है या नहीं है तो गूगल की तरफ से आपको मोबाइल सर्टिफाइड होना चाहिए। दोस्तों इसका फ़ायदा यह है कि आपको नया ऐप्स की अपडेट्स आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने चेक इसको कैसे करना है, तो इसी के लिए आप लोगों ने इस तीन लाइन पे क्लिक करना है। नीचे आप लोगों ने आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जाना है इधर, thank you.